हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूही शपथ। मैं रूही, आज हम डिस्कस करेंगे पोएम द लोटस। इसे लिखा है तोरु दत्त ने। गाइस, तोरु दत्त कौन है, उनके लाइफ स्टोरी को मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो और आइकन में भी आप देख सकते हो। गाइस, ये जो द लोटस है इसे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि जो यहाँ के जो गॉड है, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी, इनके पिक्चर्स में आप देखोगे कि लोटस का फ्लावर रहता है, इसलिए यहाँ पे लोटस को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया, इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इस पोयम में लोटस को ग्लोरीफाई किया गया है, इसकी बहुत तारीफें करी गई है। ये जो पोयम द लोटस है, ये 14th लाइन का है, ये एक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। जो भी 14 लाइन की पोयम्स होती है वो उसे सोनेट कहा जाता है। ये इस पोयम के जो शुरू के जो 8 लाइन्स हैं वो ऑक्टेव लाइन्स हैं, और नीचे के जो 6 लाइन्स हैं वो सेस्टेट लाइन है। गाइस, चलिए हम इस पोयम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर तोरु दत्त ने इस पोयम में लोटस के बारे में क्या कहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर ले, और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर फ्लावर। लव का नाम क्यूपिड है। क्यूपिड जो है वो गॉड ऑफ लव है, और जो फ्लोरा है वो गॉडेस ऑफ फ्लावर है। ये लव जो है वो फ्लोरा के पास आते हैं और वो कहते हैं कि आप वो फूल को चुने, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। वो जो फूल होगी वो सारे फूलों की रानी होगी। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर्स। इस ऑनर को पाने के लिए लिली और रोज़ एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे हैं। दैट मींस कि ये जो लिली और जो रोज़ है वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि नहीं, मैं फूलों की रानी बनूंगी। वो कहती है कि नहीं, मुझे बनना चाहिए, मेरा हक बनता है रानी बनने का, मुझ में वो क्वालिटी है। नेक्स्ट है, बार्ड्स ऑफ पार हैड संग देयर क्लेम्स। बार्ड्स का मतलब है पोएट। बहुत से ऐसे कवि हैं जो लिली फ्लावर के ऊपर पोयम लिखे हैं और गीत गाए हैं, और कुछ पोएट्स रोज़ फ्लावर के ऊपर पोयम लिखे हैं और गीत गाए हैं। कुछ पोएट्स जो है वो लिली की तारीफ़ें कर रहे हैं और कुछ जो है वो रोज़ की तारीफ़ें कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों जो फ्लावर्स हैं दोनों का बराबर का क्लेम बनता है कि वो दोनों रानी बने, बट दोनों तो बन नहीं सकते हैं, बनना तो किसी एक ने है। द रोज़ कैन नेवर टार लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मेन। लिली कह रही है रोज़ के लिए, क्या रोज़ मेरे जैसा खड़ी रह सकती है, और जो जूनो मेन है, मीन्स की जो जुपिटर की वाइफ है जूनो, वो जिस तरह गर्व करती है कि मैं खड़ा रहती हूँ, क्या उस तरह वो खड़ा रह सकती है। तभी रोज़ कहती है, बट इज़ द लिली लवलियर, क्या लिली लवलियर हो सकती है रोज़ की तरह, जैसे रोज़ की पंखुड़ी बहुत कोमल होती है, रेड होती है, कितनी खूबसूरत दिखती है, अट्रैक्टिव होती है, क्या उस तरह लिली हो सकती है। दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रैंक द स्ट्राइव इन साइकेस बार। अब ये जो फ्लावर्स है वो दो भागों में बट जाते हैं, कुछ फ्लावर्स लिली की तरफ चल जाते हैं, कुछ रोज़ की तरफ चल जाते हैं, और उनमें डिबेट चलने लगती है कि नहीं, रोज़ को क्वीन बनना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, लिली को क्वीन बनना चाहिए। इन दोनों में थोड़ी फाइट हो जाती है। फ्रेंड्स, शुरू के 8 लाइन्स में, ऑक्टिव लाइन्स में पता नहीं चल रहा था कि कौन फ्लावर्स के क्वीन है। अब चलिए नीचे की 6 लाइन्स को देखते हैं सेस्टेस में, क्या हमें उनका जवाब मिलता है। गिव मी अ फ्लावर डिलिशियस एज द रोज़। लव फ्लोरा से कह रहे हैं कि आप मुझे वो फूल दे जो रोज़ की तरह डिलिशियस हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइज, और लिली की तरह अपने प्राइज में खड़ा हो सके। ऐसा फूल आप मुझे दें जिसमें दोनों की क्वालिटी हो। फ्लोरा कहती है लव से, बट ऑफ व्हाट कलर, वो जो फूल मैं आपको दूंगी उसका कलर क्या होना चाहिए। रोज़ रेड लव फर्स्ट चूज। लव जो है वो पहले रेड रोज़ को चूज़ करते हैं, देन प्रेड नो लिली वाइट, फिर कहते हैं कि नहीं लिली की तरह वाइट, फिर कहते हैं और बोथ प्रोवाइड, मीन्स की पहले तो वो कहते हैं कि रेड की तरह होना चाहिए, रेड रोज़ की तरह होना चाहिए, फिर कहते हैं कि नहीं लिली वाइट की तरह होना चाहिए, फिर कहते हैं कि नहीं उसमें दोनों कलर मिक्स होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए, वाइट भी होना चाहिए। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज़ रेड डाइड
एंड लिली वाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लो। फ्लोरा जो है वो एक लोटस का फूल देती हैं लव को और कहती हैं कि लीजिए, इसमें रेड कलर भी है और वाइट भी है, ये फूलों की रानी बनने के लायक है। इसी के साथ आज की हमारी ये पोयम ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, ये रही तोरू दत्त की पोयम द लोटस। आई होप गाइज आप सभी को ये पोयम अच्छी लगी होगी। कमेंट में लाजमी बताएं हमारा आज का ये पोयम कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।